सुंदरबन जंगल में एक टूनी चिड़िया और उसका बेटा चुन्नू कौवा सब्जी की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने की वजह से पेंडू ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले टूनी चिड़िया की सब्जी चंद घंटों में ही बिक जाती थी, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठे रहने के बाद भी टूनी चिड़िया की सब्जी नहीं बिक पाती थी। देख रहा है ना बेटा, सुबह से सब्जी लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ, सारे परिंदों को आजकल क्या हो गया है? उन्होंने सब्जी खरीदना क्यों बंद कर दिया है? हम तो अपने खेत में ताजी ताजी सब्जियाँ उगाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं। अरे बेटा वो बात नहीं है, आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, सो सब्जियों के दाम भी बढ़ गए। शायद इसीलिए आजकल परिंदे ज्यादा सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे तभी बबली कबूतरी उनकी दुकान पर आती है और कहो बबली बहन, कौन सी सब्जी दे दूं? सारी सब्जियां ताजी हैं। ये टमाटर कैसे दे रही हो टूनी बहन? ज्यादा महंगे नहीं है बबली बहन, बस 100 रुपए किलो है। बोलो कितने दे दूं? 100 रुपए किलो? और तुम कहती हो कि महंगे नहीं है, लेकिन खरीदने तो पड़ेंगे ही। मेरी बहू को कच्चा टमाटर बहुत पसंद है और वो टमाटर खाने की जिद कर रही है। ऐसा करो तुम मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, ये लो आधे पैसे, बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगी। टूनी चिड़िया बबली से आधे पैसे लेकर उसे टमाटर दे देती है। बबली अपने घर पहुँचती है और अपनी बहू टुनटुनी को आवाज लगाती है। टुनटुनी बहू, ये ले टमाटर, ये तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, मुझे पता है 100 रुपए किलो हो गए हैं ये। अब महंगे हो गए हैं तो मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे तो कच्चे टमाटर खाना बहुत पसंद है, मैं बचपन से ही कच्चे टमाटर शौक से खाती हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी किचन में जाती है और देखती है कि सारे टमाटर खत्म हो गए हैं। माँ जी, ओ माँ जी, सारे टमाटर खत्म हो गए, आप जल्दी से जाइए और कुछ टमाटर खरीद कर ले आइए। टुनटुनी तुझे पता है ना टमाटर आजकल कितने महंगे मिल रहे हैं, फिर भी तू नहीं समझती। या तो तू टमाटर खाना छोड़ दे या टमाटर की खेती शुरू कर दे। माँ जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जाइए और जल्दी से जाकर टूनी आंटी के हाथ से ताजे ताजे टमाटर खरीद कर ले आइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। अच्छा अच्छा जा रही हूँ। बबली कबूतरी टमाटर खरीदने जाती है, जब वो टमाटर के दाम सुनती है तो अपना सिर पकड़ लेती है। बाप रे, इस टमाटर के दाम तो और बढ़ गए हैं, मैंने तो सोचा था कुछ कम हो गए होंगे, लेकिन इसके दाम तो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। टूनी बहन, इतने महंगे टमाटर खरीदना मेरे बस की बात नहीं, अगर तुम्हारे पास थोड़े टमाटर के बीज हो तो मुझे दे दो। बबली बहन, इसके लिए तो तुम्हें बीज की दुकान पर जाना होगा, वहीं तुम्हें टमाटर के अच्छे बीज मिलेंगे। बबली कबूतरी बीज की दुकान पर जाती है और वहां से टमाटर के बीज लेकर अपने घर आती है। माँ जी, आप तो टमाटर लाने गई थी, कहाँ है टमाटर? बहू, मैं कोई टमाटर नहीं लाई, वो बहुत महंगे मिल रहे थे, ये ले पकड़ टमाटर के बीज और आंगन में बिखेर दे, कुछ ही दिनों में टमाटर के पौधे पर टमाटर लग जाएंगे, फिर जी भर कर खाती रहना। टुनटुनी चिड़िया टमाटर के बीज को आंगन में बिखेर देती है और फिर उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में टमाटर के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उन पर टमाटर लगने लगते हैं। बहू, तुमने तो टमाटर की बहुत अच्छी खेती की है। हाँ माँ जी, अब हमें महंगे टमाटर खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी और सब्जियों के पौधे लगा दूँ, इस तरह सारी सब्जियाँ हमें घर में ही मिल जाएंगी और महंगी सब्जी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया टमाटर की सब्जी के साथ साथ कुछ और सब्जियों के भी पौधे लगा देती है और उनकी खेती करने लगती है और फिर खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी एक गरीब किसान था जो सेठ राजू के खेत में काम करता था, क्योंकि उसका खुद का खेत नहीं था। टूनी चिड़िया, मैं खेत पर जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा और तुम्हारी मदद करवाऊंगा। बंटी जी, आप रोज ही ऐसे कहते हो मगर कभी जल्दी नहीं आते। आप ऐसा करो, जाते हुए मीनू को स्कूल छोड़ते हुए जाना। टूनी चिड़िया शाम के वक्त अपने घर के बाहर रोटियां बनाकर बेचा करती थी, ऐसे उनके घर के गुजारे में थोड़ी बहुत मदद हो जाती थी। मीनू बहुत होशियार और समझदार थी, जहाँ बाकी बच्चे स्कूल ना जाने की जिद करते वहीं मीनू स्कूल जाने की जिद करती। बाबा, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, मेरे
हमारे पास उतने पैसे नहीं है बेटा, लेकिन इस बार हम नया पंखा खरीदने की कोशिश करते हैं। पंखे का तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे एक किताब खरीद कर दे दीजिए, शाम को माँ की दुकान के पास मिलते हैं। ऐसा कहते हुए मीना स्कूल चली जाती है और बंटी खेत में चला जाता है। स्कूल में पहुँचते ही उसे हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। हेडमास्टर से बात करके वहाँ से लौटते वक्त मीनू एसी की कीमत के बारे में पूछती है। ये 20,000 से लेकर 1,00,000 से भी ज्यादा कीमत वाले होते हैं बेटा। ये बात सुनकर मीनू चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को मीनू और बंटी भी टूनी के थैले पर इकट्ठे होते हैं। माँ, हमारे घर बहुत जल्द एसी आने वाला है। हम गरीब लोगों के घर एसी नहीं आते हैं बेटा, वो काफी महंगा होता है। वैसे भी एसी लगवाने के लिए हमारे घर में जगह ही कहाँ है। लेकिन मीनू उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अब मीनू हर वक्त उस किताब को पढ़ती रहती और अपने कमरे में अजीब अजीब सामान लाकर डालती रहती। वो वही किताब थी जिसकी मीनू ने अपने बाबा बंटी कबूतर से फरमाइश की थी। जब से गर्मियों की छुट्टियाँ हुई है तुम अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हो बेटा। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? गर्मी बहुत है, जो भी काम है तुम कमरे से बाहर आकर कर सकती हो बेटा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, कल आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन सुबह मीनू अपने कमरे से एक एसी उठाकर ले आती है। ये देखकर टूनी और बंटी कबूतर हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये बात भी समझ में आ जाती है कि मीनू इतने दिन से कबाड़ी की दुकान से पुराना सामान क्यों ला रही थी। माँ, बाबा, ये लो, आज एक गरीब के घर भी एसी आ गया और इसे बनाया है मैंने खुद अपने हाथों से। ये एसी भले ही कबाड़ी के सामान से बना हो, लेकिन मैंने सब कुछ अच्छे से साफ करके पैक कर दिया है, इसलिए ये इतना साफ और नया लग रहा है। मीनू बेटा, क्या तुमने ये सब उस किताब से सीखा है जो तुम मुझे खरीद कर देने को कह रही थी? मीनू कहती है कि ये सब उसने उसी किताब से सीखा है और इसीलिए इतनी गर्मी लगने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल रही थी। टूनी और बंटी कबूतर ये देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद बंटी कबूतर उस एसी को दीवार पर लगा देता है और वो अच्छे से काम भी करने लगता है। इसलिए इंसान छोटा हो या गरीब, सोच आगे की रखनी चाहिए। सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन बबली के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थी, उनके माँ बाप भी एक हादसे में गुजर गए थे। बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो लोग एक टूटे फूटे घर में रहते थे। टूनी की ख्वाहिश थी कि उसकी बहन बबली खूब पढ़े, जिसके लिए वो सारा दिन कड़ी मेहनत करती। टूनी चिड़िया का एक टाफियों का थैला था, लेकिन उसे उस थैले
मोहल्ले और स्कूल में उसके बहुत से दोस्त भी थे जिनके साथ वह अक्सर खेला करती थी। उन सब की जिंदगी के दिन बहुत ही अच्छे कट रहे थे। टूनी चिड़िया श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वे रोज उनकी पूजा करती थी और वह हर बार जन्माष्टमी पर उनकी सोसाइटी में होने वाली दही हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेती और वही जीतती। एक दिन लक्की कबूतर सुबह सुबह तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए निकलता है। ऑफिस पहुंचते ही वह अपने बॉस के केबिन में जाता है तो देखता है कि उसके बॉस जमीन पर पड़े हुए हैं और उसके पेट में चाकू लगा हुआ है और फर्श पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। यह देखकर लक्की कबूतर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। लक्की कबूतर अपने बॉस के पास गया और अपने हाथ से चाकू निकाल देता है। तब भी वहाँ सिखरबाज आ जाता है और वह यह सब होते हुए देख लेता है। राजू, चिंकी, कांचा भैया, सब जल्दी से आओ, देखो लक्की कबूतर ने बॉस को मार दिया है। पलक झपकते ही सभी बॉस के केबिन में इकट्ठा हो गए। राजू तोते ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। लक्की कबूतर सबको चिल्लाकर कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ देर में पुलिस भी वहाँ आ गई। पुलिस ने पूछताछ की तो सिखरबाज ने बताया कि मैंने अपनी आँखों से लक्की कबूतर को बॉस को मारते हुए देखा है और चाकू पर भी लक्की कबूतर के पंखों के ही निशान थे। इसलिए पुलिस इन सबूतों के बिना पर लक्की कबूतर को जेल में डाल देती है। जब यह बात टूनी चिड़िया और लाजवंती को पता चलती है तो वह रोती रोती पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लक्की कबूतर सारी बात उन्हें बता देता है और बोलता है, मैं बेकसूर हूँ पर मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। आप घबराइए मत, मैं अच्छे से अच्छा वकील करके आपको छुड़वा लूंगी। चलिए ना पापा हमारे साथ घर पर। लक्की कबूतर अपनी बेटी को इस तरह रोता देख कहता है, लाजवंती तुम मुझसे एक वादा करो, जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं तुम मुझसे मिलने मत आना। लाजवंती भी हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया भी घर जाकर श्री कृष्ण की पूजा करने लगती है और अपने पिता को छुड़वाने की प्रार्थना करती है। इसी तरह 8 महीने बीत गए। वकीलों के चक्कर काटते काटते लाजवंती के सारे पैसे खत्म हो गए। वे अब गरीब हो चुके थे, उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। मेरे पापा जल्द ही घर आ जाएंगे, मेरे काना सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे काना, इतने दिनों से तुम्हारे पापा जेल में हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो क्या किया तुम्हारे काना ने। दूसरी तरफ लक्की कबूतर जेल में बस रात दिन रोता रहता और बोलता रहता, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। एक दिन पुलिस स्टेशन में नई जेलर साहब आई, चतुर सिंह। इधर अब जन्माष्टमी भी आने वाली थी, सभी जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे हुए थे। टूनी चिड़िया अपने कान्हा की मूर्ति के आगे बैठकर रोती हुई बोलती है, कातिल लक्की कबूतर नहीं बल्कि सिखरबाज है, उसी ने जानबूझकर लक्की कबूतर को फंसाया था। सिखरबाज को पीटने पर वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। मैंने जो घोटाला किया था उसका पता बॉस को चल चुका था, इसलिए मजबूरी में मुझे बॉस को मारना पड़ा। यह सुनकर चतुर सिंह सिखरबाज को जेल में डाल देते हैं और लक्की कबूतर को लेकर उसके घर जाते हैं। उस दिन जन्माष्टमी थी। टूनी चिड़िया के सभी दोस्त उसके पास खड़े थे और उससे बोल रहे थे, चलो ना टूनी, दही हांडी फोड़ते हैं। हर बार तुम दही हांडी फोड़ती हो, इस बार भी यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। लेकिन टूनी चिड़िया साफ साफ मना कर देती है कि जब तक उसके पापा नहीं आएंगे वह दही हांडी नहीं फोड़ेगी। तभी पीछे से चतुर सिंह बोलते हैं, लो ले आया तुम्हारे पापा को, अब तो फोड़ोगे ना दही हांडी। टूनी चिड़िया अपने पीछे अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी से अपने पिता के गले मिलती है। तब तक लाजवंती भी वहाँ आ जाती है। माँ देखो, मेरी काना ने मेरी सुन ही ली। हाँ बेटा, तेरी ही भक्ति की वजह से मैं आज इस मुसीबत से निकल पाया हूँ। इसके बाद सभी दही हांडी के नीचे चक्र बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही टूनी चिड़िया उन पर चढ़ती है सभी नीचे गिर जाते हैं, सभी हंसने लगते हैं। फिर बहुत मुश्किल से टूनी चिड़िया सबसे ऊपर चढ़ती है लेकिन इस बार भी हांडी तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर वह अपना पूरा दम लगाकर उछलती है और हांडी को पकड़ लेती है और उसे फोड़कर मक्खन खा लेती है और अपने सभी दोस्तों को भी मक्खन खिलाती है। इसके बाद जंगल में एक पेड़ पर रानी चिड़िया का घोंसला था। एक दिन कहीं से एक कौवा उड़ता हुआ आया और चिड़िया के घोंसले के पास बैठ गया। उसने चिड़िया से प्यार से बातें की और दोनों में दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज रानी चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे। कई बार खाने की तलाश में भी साथ साथ जाते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया खाने की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वो एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर मिर्ची सूख रही थी। जब कौवे की नजर लाल मिर्च पर पड़ी वो चिड़िया से बोला, देखो देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया बोली, चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं, देखिए कौन ज्यादा मिर्ची खा पाता है। ठीक है,
लेकिन जो जीता वो दूसरे को खा जाएगा। कौवा कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो गया। चिड़िया ने सोचा कौवा मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी तैयार हो गई। दोनों ने मिर्ची खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ मिर्च खा रही थी, लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचा कर बेईमानी करने लगा। कौवा कुछ मिर्ची खाता और कुछ को चटाई के नीचे छिपा देता। इस बेईमानी की वजह से कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वो तो कौवे को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो कर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ, उसमें जितना चाहो उतना पानी ले जाना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया। सुनो, मेरे लिए एक अच्छा सा मटका बनाओ। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की जरूरत होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तभी धरती बोली, पूरी दुनिया जानती है तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो। मैं अपनी मिट्टी पर तुम्हें चोंच नहीं मारने दूंगी। अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो फावड़ा लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक फावड़ा बना कर दो। लोहार बोला, अगर तुम्हें फावड़ा चाहिए तो मुझे आग ला कर दो। कौवा पास में एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकाल कर कौवे की चोंच पर रख दी। आग के चपटे उसके पंखों पर लग गई। कुछ ही देर में कौवा जलकर राख हो गया। तो इस तरह कौवे को अपनी धोखे की सजा मिल जाती।